हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल अजीम एडिची में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किलोग्राम से जुड़े हुए क्वेश्चन को। जैसा कि हमारा पहला सवाल है कि अगर एक केजी काजू का मूल्य 800 रुपया है तो 250 ग्राम का दाम कितना होगा, या फिर जैसे कि एक किलो का दाम हमें 800 रुपया पता है, ठीक है, हमें 250 ग्राम लेना हो या फिर 150 ग्राम लेना हो या फिर 350 ग्राम लेना हो या फिर 500 या फिर 750, यानी ग्राम में अगर हमें लेना हो तो कितना रुपया होगा, उसको कैसे निकालेंगे, मैं आपको मोबाइल कैलकुलेटर के ज़रिए से बताने वाला हूँ और लिख कर भी बताऊँगा। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि अगर 200 रुपया का काजू हमें 250 ग्राम मिलता है, जिसको बोलते हैं पाव भर, गाँव देहात में ज़्यादा लोग बोलते हैं, ठीक है, तो अगर हमें 100 ग्राम लेना हो या फिर 150 या फिर हमें 50 ग्राम लेना हो, ठीक है, या फिर हमें 50 ग्राम लेना हो तो कितने रुपए का होगा, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ही आसान और सरल तरीके से। मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो पहला सवाल को चेक करते हैं। पहला सवाल क्या है, एक केजी का दाम कितना है, 800 रुपया है, वो लिखते हैं। तो एक किलो का दाम कितना है, 800 रुपये, और एक किलोग्राम में कितना होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो ये हो गया हमारा 1000 ग्राम का दाम कितना है, 800 रुपया है। हमें कितने बताना, 250 ग्राम का बताना है, तो क्या करेंगे हम, एक ग्राम का दाम निकालेंगे पहले। तो एक ग्राम का दाम बराबर क्या हो जाएगा, 800 बटे में 1000 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 1000 गुणे 1g लिख सकते हैं, ठीक है। जब 1000 गुणे 1 में करेंगे तो 1000 आएगा, ग्राम ग्राम रह जाएगा, इसलिए हमने इसको इस तरीके से तोड़कर लिखा है। तो 1 ग्राम बराबर हमने रह दिया, जो 1000 था बराबर इधर भेज दिया, आपके बटे में आ गया। हमें 1 ग्राम पता चल गया कि 800 बटे में 1000 रुपया होता है, ठीक है। तो हमें निकालना है कितने का, 250 ग्राम का निकालना है। तो क्या करेंगे, 250 ग्राम बराबर 250 गुणे 1 ग्राम, 250 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 250 गुणे 1 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 250 गुणे 1 ग्राम की जगह ये वाला सारा मान रख देंगे, ठीक है, कितना है, 800 बटे में 1000। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए, 2 0 से 2 2 ये ख़त्म, 1 0 से 1 0 ये ख़त्म, हमारे पास क्या बचा, 25 गुणे 8, क्या है, 25 गुणे 8, जब 25 का गुणे 8 में करें कितना हो जाएगा, 8 5 40 0 8 6 4, 8 2 4 20, कितना आ गया, 200 रुपया। यानी कि एक किलो काजू का दाम अगर 800 रुपया है तो 250 ग्राम दाम कितना हो जाएगा, 200 रुपया होगा। ये क्या है, पेन कॉपी के जरिए से। अब चलिए हम इसी को कैलकुलेटर की मदद से लगाते हैं। हमारा सवाल क्या है, एक केजी का काजू का दाम कितना है, 800 रुपया है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 800 लिखेंगे, जितना भी एक किलो का दाम 800 होगा या फिर 750 रुपया होगा या फिर 900 या फिर 1000 रुपया होगा, वो यहाँ पर लिखना होगा। सबसे पहले एक किलो काजू का दाम लिखना होगा, फिर लगाएंगे भागे का निशान, और एक किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, तो हम 1000 यहाँ पर भागे लगाकर 1000 करेंगे। और इसके बाद हमें जितने ग्राम का निकालना हो, जैसे कि हमें 250 ग्राम निकालना है तो गुणे लगाएंगे 250 करेंगे, कितना आ गया हमारा, 200 रुपया आ गया, जो कि मैंने अभी निकाल कर बताया है। अगर यहीं पर हमें क्या करना होता, 200 ग्राम 250 ग्राम की जगह अगर हमें 350 ग्राम लेना होता तो हम 800 भागे 1000 गुणे 350 करते, 350 आ गया 280 रुपया। अगर हमें यहीं पर 180 ग्राम लेना होता तो क्या करते, इस 350 की जगह हम 180 करते हैं, ठीक है। पहले क्या है, 800 भागे 1000 गुणे 180, कितना आ गया, 144 रुपया, ठीक है। इस तरीके से जब हमें एक किलो का दाम पता हो तो इस तरीके से हम करते हैं मोबाइल के कैलकुलेटर में, और जितने भी ग्राम का निकलना हो, जो कि मैंने अभी बताया, ये दोनों सेम रहेगा, यानी अगर दाम अगर जो भी है वो रहेगा यहाँ पर, और ये वाला तो हमेशा सेम रहेगा, और ये वाला बदलेगा क्योंकि जितना ग्राम आपको लेना हो यहाँ पर वो हम लिख कर गुणा लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब देखते हैं अपने दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, दूसरा सवाल क्या है कि अगर 200 रुपये का अगर काजू 250 ग्राम मिल रहा है तो 100 ग्राम का कितना होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको देखते हैं। तो हमारा 200 रुपये में कितना मिल रहा है, 250 ग्राम, तो हमें बताना कितना है कि 100 ग्राम कितने का होगा, ठीक है। तो पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 ग्राम का दाम निकालेंगे पहले। तो 1 ग्राम का दाम निकालने करने के लिए क्या करेंगे हम, इस 250 ग्राम को क्या लिख सकते हैं हम, 250 ग्राम को हम 250 गुणे 1 ग्राम लिख सकते हैं, और हम इसका वैल्यू कितना है, 200 रुपये है। तो 1 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 200 बटे में 250
रुपया हो गया, ठीक है। अब हमें कितने बताना है, 100 ग्राम बताना है, तो 100 ग्राम मतलब कि क्या हो जाएगा, 100 × 1 ग्राम की जगह ये वाला मार रख देंगे, 200/250। अब इसको हल करेंगे, देखो 1 0 1 0 ख़त्म, ठीक है, हो गया 100 × 20/25, देखो 25 चौका कट गया, 25 चौका 100 कट गया, और 4 × 20 है तो 20 चौका क्या हो जाएगा, 80, कितना हो गया इसका दाम, 80 रुपया। अब इसी को हम मोबाइल के जरिए से करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले क्या है कि 200 रुपये का काजू हमें 250 ग्राम मिल रहा है, ठीक है, 200 रुपये काजू हमें 250 ग्राम मिल रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 250 ग्राम का दाम, इसको हम क्या कह सकते हैं, 250 ग्राम का दाम कितना है, 200 रुपया है। 250 ग्राम काजू का दाम कितना है, 200 रुपया है। तो पहले हम लिखेंगे हम 250 यहाँ पर, ठीक है, फिर लगाएंगे भागा, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, 250 ग्राम का दाम कितना है, 200 रुपया है, तो पहले जो उसका दाम है वो लिखेंगे 200, फिर लगाएंगे भागा, फिर लगाएंगे 250, क्योंकि हमें पाव भर का जो दाम है 200 रुपया है। फिर उसके बाद जितने ग्राम का निकालना हो, जैसे हमें 100 ग्राम निकालना है, क्या हम लिखेंगे हम 100, कितना आ गया, 80 रुपया, जो कि मैंने अभी निकाल कर भी बताया था, यह हो गया हमारा कैलकुलेटर से, ठीक है। फिर से दूसरा देखते हैं, अगर हमें 100 ग्राम की जगह अगर हमें लेना होता 500 ग्राम लेना होता, ठीक है, तो हमें क्या है, 200 रुपये का मिल रहा है 250 ग्राम, तो लिखेंगे पहले 200 रुपया भागे 250 ग्राम, फिर गुणे 500 ग्राम का बताना है, लिखेंगे हम 500, कितना आ गया, 400 रुपये हो गया, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, जो वजन है यानी कि जितना रुपये का है 250 ग्राम वो लिखना है, फिर 250 ग्राम कितने का है वो हमने लिख लिया, फिर भागे लगाकर 250 ग्राम लिखेंगे, फिर गुड़े जितने ग्राम लेना वो, ठीक है। दोनों तरीके से मैंने बता दिया, एक है जो कि पाव भर का जो दाम हो वो लिखेंगे, और एक तरीका जो कि 1 किलो का दाम अगर हो तो इस तरीके से करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, मैंने दोनों तरीका बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।